बोलिए सर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, उनकी जो खिदमत बिला लिहाज मज़हब मिल्लत खासकर मुल्क और कौम के लिए जिद्दोजहद आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो कुर्बानी दी हैं, हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो अंग्रेज़ों की उस हुक्म को ठुकरा, जबकि उनके अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया तो बाकायदा मजिस्ट्रेट ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पैरोल पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट को मुखातिब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि मैं अंग्रेज़ों के इस फैसले को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ, मैं अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया, मैं जनाजे में शिरकत नहीं करूँगा, लेकिन मैं जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सज़ा की मियाद तकमील हुई तो उसके बाद जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अहलिया मोहतरमा की खबर पर जाकर फातह खानी की। यह है मुसलमानों का जज्बे हो बुलवतनी। हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कभी तालीमात को फरामोश नहीं कर सकते। मैं नई नस्ल को पैगाम देना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने ये बिला लिहाज मज़हब मिल्लत खासकर मुल्क और कौम की यकजहती के लिए फिरखवाराना हमांगी के लिए उन्होंने जो पैगाम दिया है, नई नस्ल को चाहिए कि वो अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान